अंजलि और संध्या एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज खत्म होने के कुछ सालों बाद संध्या के पापा संध्या के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। संध्या बेटा, सरोजनी नगर से गुप्ता जी अपने बेटे के साथ तुम्हें देखने आएंगे, समय से तैयार हो जाना बेटा। जी पापा। कुछ देर बाद गुप्ता जी अपनी पत्नी और बेटे अखिल के साथ संध्या के घर पहुंच जाते हैं। अरे भाई साहब, हमें तो संध्या बिटिया बहुत पसंद है, बस अब आप सगाई की तिथि निकलवाइए। अखिल के माता पिता की हाँ सुनकर संध्या के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और एक महीने बाद का सगाई का मुहूर्त निकाल लेते हैं। सगाई के दिन, संध्या बेटा देखो, हमारे परिवार में चार ही सदस्य हैं, अखिल, उसके पापा, मैं और मेरी बेटी, बाकी सबसे तो तुम मिल ही चुकी हो। आओ अपनी इकलौती नन से भी मिल लो, मेरी अंजलि नौकरी करती है इसलिए तुम्हें देखने के लिए नहीं आ पाई थी, लेकिन उस दिन से हर रोज तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। हाँ हाँ बहन जी, अब इकलौती भाभी से मिलने की बेचैनी किस नंद को नहीं होगी, और वैसे भी बड़े भाई की शादी तो छोटी बहन का सपना होता है। हेलो भाभी, मैं अंजलि। अरे अंजलि, तुम तो वही हो ना जो डीएस कॉलेज में पढ़ती थी। ओ माय गॉड, तुम तो वही हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इतने सालों बाद इस तरह तुमसे मुलाकात होगी। अंजलि बेटा, ये अच्छी बात है कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हो, लेकिन अब से संध्या तुम्हारी बड़ी भाभी है और अब से तुम कभी भी इसे नाम से नहीं बुलाओगी, समझी? ठीक है माँ, जैसा आप कहें। जब से संध्या को ये बात पता चली थी कि अंजलि ही उसकी होने वाली अंजलि नंद है, उसके मन को मानो एक तसल्ली सी मिल गई थी। अब मैं बहुत खुश हूँ माँ, पहले मेरे मन में ना यही डर समाया हुआ था कि अखिलेश का परिवार न जाने कैसा होगा, मैं वहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि अंजलि ही मेरी नंद है, मेरे मन का सारा डर ही दूर हो गया है। शादी के बाद भाभी चलो ना, आज आपकी सारी साड़ियाँ देखती हैं, मुझे ना सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, मैं तो शादी के बाद हर रोज सिर्फ साड़ी ही पहनने वाली हूँ। अरे सहेली के भाई से शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये भूल जाओ कि तुम अब मायके में नहीं ससुराल में हो। अरे महारानी, अब पालकी छोड़ो और घर के कामों में हाथ बटाया करो, चलो 5 मिनट में इसे समेट कर रसोई में आओ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। इतना कहकर सास सरोज वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास के कड़वे वचन सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे भाभी क्या हुआ, अभी तो आप इतनी खुश थी, अचानक से आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तुम नहीं समझोगी अंजलि, तुमने देखा नहीं कैसे मम्मी जी मुझे खरी खोटी सुनाकर चली गईं? अरे भाभी, इतनी सी बात से आपकी आंखों में आंसू आ गए, मम्मी हैं कह देती हैं, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात हो गई? अरे मम्मी तो मुझे भी पता नहीं क्या क्या कह देती हैं। आप ना बिना वजह छोटी छोटी बातों पर हर्ट मत हुआ करो, चलो अब आंसू पोंछो और किचन में चलो, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। संध्या अपने कमरे में फैली हुई साड़ियों को समेट कर जल्दी जल्दी अलमारी में रख देती है और सास के कहे अनुसार रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अच्छा भाभी लाओ, सब्जी मैं काट देती हूँ, जब तक आप बाकी के काम देख लो। ठीक है अंजलि। अच्छा मैं चाय बना रही हूँ, तुम पियोगी? भाभी चाय पियूंगी तो मैं काली हो जाऊंगी, आपकी शादी हो गई है ना तो आप पिए चाय। संध्या चाय बनाकर पीने बैठती है तो उसकी सास सरोज वहाँ आ जाती है। सरोज देखती है कि उसकी बेटी अंजलि सब्जी काट रही है और बहू आराम से चेयर पर बैठकर चाय पी रही है। अरे बहू, क्या यही सीख कर आई हो तुम अपने मायके से? लगता है तुम्हारी माँ ने ससुराल में रहने के तौर तरीके नहीं सिखाए हैं तुम्हें। क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती? अरे बहू, तुम्हारी नंद काम कर रही है और तुम महारानी की तरह चाय गटक रही हो, ये कौन सा तरीका हुआ? हमारे जमाने में नंद के सामने पल्लू तक नहीं उठता था और यहाँ भाभी के होते हुए नंद काम कर रही है, ये अनर्थ तो हमने कभी नहीं होने दिया। एक तुम हो, बेशर्मों की तरह पैर पर पैर चढ़ाए बैठी हो। मम्मी जी, मैंने अंजलि को कोई काम करने को नहीं कहा था,
वो खुद ही मेरी मदद करना चाहती थी। अरे सहेली नंद बन गई है, इसका मतलब ये नहीं होता बहू कि तुम अपने संस्कार और अदब ही भूल जाओ। माँ के जाने के बाद अंजलि देखती है कि भाभी का चेहरा लटक गया है। अरे भाभी, एक बार फिर आपके चेहरे पर 12 बज गए, अब ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप इतनी उदास हो गई है? तुमने सुना ना अंजलि, मम्मी जी ने मुझे अभी अभी कितना सुनाया। क्या मैंने कहा था तुमसे कि तुम आकर किचन में काम करो? तुम खुद ही तो आई थी ना। क्या मैं दोस्त होने के नाते तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ? क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूँ अंजलि? अरे भाभी, आप तो पल भर में तिल का तहार बना लेती हो, ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई? मैंने आपको कहा था ना, मम्मी की आदत है सबको टोकते रहने की। अरे मम्मी की बातों को कोई दिल पर थोड़ी ना लेता है, आपकी तो आदत हो गई है छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने की। क्या मेरी आदत हो गई है? तुम्हारा मतलब है कि मैं गलत हूँ? अच्छा भाभी, एक बात बताओ, अगर मम्मी की जगह आपकी मम्मी होती और आपको कुछ कह देती तो तब भी क्या आपको इतना ही बुरा लगता जितना मेरी मम्मी की बातों को आपको लग रहा है? सच्ची सच्ची सोच कर जवाब देना भाभी। नहीं लगती ना, क्योंकि आप अपनी माँ को माँ समझती हो और मेरी मम्मी को आप माँ कहती जरूर हो, लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। जिस दिन आप मेरी मम्मी को सच में अपनी माँ समझने लगोगी ना, उस दिन आपको माँ की कही हुई कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। अरे मम्मी तो मम्मी है, और मम्मी की आदत होती है बच्चों को हर समय प्रवचन देने की। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमसे प्यार नहीं करती। मम्मी की बातों को बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। मैं कितनी खुश थी अपनी सहेली के घर भाभी बनकर जा रही हूँ, मुझे ससुराल में एडजस्ट करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, और शायद कभी जरूरत पड़ी तो मेरी नन मेरी ढाल बनकर ससुराल में नए माहौल में ढलने में मेरी मदद करेगी। लेकिन मैं कितनी गलत थी, अंजलि को तो अपनी माँ की गलती कभी नजर ही नहीं आती, उसे तो हमेशा यही लगता है कि मैं तिल का तहार बना रही हूँ। शायद अभी उसकी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए उसे बातें समझ नहीं आ रही हैं। शादी के बाद नए घर में नए लोगों के बीच में ऐसे ताने सुनेगी तब उसे पता चलेगा कि कैसा महसूस होता है। धीरे धीरे दिन बीते जा रहे थे और एक दिन, भाभी चलो ना आज हम दोनों मिलकर रील बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है, तुम बनाओ मैं चलती हूँ। रुको ना भाभी, चलो जल्दी से कॉस्ट्यूम पहनो, फिर हम दोनों ना लेटेस्ट सॉन्ग पर डांस करेंगे, रील बनाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज ना भाभी चलो। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करो। हाँ, संध्या और अंजलि शॉर्ट्स पहनकर डांस कर रही थी, तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। अरे जरा सी छूट क्या मिल गई है, तुम तो खानदान की मान मर्यादा संस्कार सब भूल गई हो, शर्म नहीं आ रही ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर नाचते हुए? मम्मी जी मैं तो मना कर रही थी, लेकिन ये अंजलि जिद करने लगी तो मैंने हाँ कर दी। अरे हर बात को अंजलि के ऊपर डालकर तुम बचकर निकल नहीं सकती हो बहू, अंजलि अभी बच्ची है, उसे अभी अच्छे बुरे की समझ नहीं है। तुम तो शादीशुदा हो, हमारे घर की बहू हो, तुमने क्या सोचकर ये नाच गाना किया? हाँ एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम आज के बाद सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही पहनोगी और बिना पल्लू के मुझे दिखाई मत देना कभी। जी जी मम्मी जी, मैं ख्याल रखूंगी। आज संध्या ने अंजलि से सास के व्यवहार के लिए कोई शिकायत नहीं की, उसे समझ में आ गया था कि अंजलि को अपनी माँ का व्यवहार कभी गलत लग ही नहीं सकता। धीरे धीरे संध्या ससुराल में एडजस्ट करना सीख जाती है। कुछ महीनों के बाद अंजलि की शादी भी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद भाभी कैसी हो आप, घर पर सब ठीक है ना? हाँ अंजलि, यहाँ सब ठीक है ना, तुम तो ठीक हो ना, इतनी बुझी हुई क्यों लग रही हो? भाभी मेरा ना मन आज बहुत दुखी है, आपको पता है ना मम्मी ने मुझे कैसे पलकों पर बिछा कर पाला है, कभी एक काम तक नहीं करने दिया मुझे, लेकिन फिर भी दीपक के परिवार के लिए मैंने उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया, दिन को ना दिन समझा और ना रात को रात, लेकिन मेरी सासू माँ उन्हें तो जैसे मेरे कोई काम पसंद ही नहीं आता, हर काम में बस गलतियाँ ही निकालती रहती हैं। मेरा तो दिल करता है सब कुछ छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, इस घर में मुझे समझने वाला कोई नहीं है भाभी। अरे अंजलि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना रोना धोना, अरे भाई अगर सास ने किसी काम के लिए टोक दिया तो क्या हो गया, वो तुम्हारी सास है ना। अच्छा एक काम करो, तुम ना उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझा करो, फिर उनकी कोई भी बात तुम्हें बुरी नहीं लगेगी,
तुम मुझे समझाती थी ना, अगर सास को माँ समझो तो उनकी हर बात सही लगती है। फिर अब तुम क्यों दुखी हो रही हो? आप समझ नहीं रही हैं भाभी, मेरी सास को ऐसा लगता है कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ बल्कि एक काम करने की मशीन हूँ। बस दिन भर काम करती रहो और चुपचाप उनकी बातें सुनती रहो। मुझे तो तुम बहुत ज्ञान देती थी कि अपनी मम्मी जी को मैं माँ समझूं। अरे माँ का कहा बुरा थोड़ी ना माना जाता है। अब समझ में आया तुम्हें अपनी जली तो कैसा लगता है? सच सच बताओ, सासू माँ की बातें सुनकर तुम्हारी भी जली ना? भाभी की बात सुनकर नंद संध्या को समझ में आ गया था कि खुद पर बीतने पर ही दर्द का एहसास समझ में आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।